हेलो फ्रेंड्स, इन द प्रीवियस क्लासेस हमने पढ़ा था ये चीज कि कनकेव मिरर के में इमेज फॉर्मेशन के क्या क्या केसेस होते हैं। अभी हम लोग ये पढ़ेंगे कि साइन कन्वेंशन फॉर स्फेरिकल मिरर, मतलब ये न्यूमेरिकल बनाने में हमें साइन कन्वेंशन की जरूरत होती है। इससे ये पता चलता है कि यू फी एंड एफ, इन दोनों के साइन क्या होंगे कनकेव मिरर में और कॉन्वेक्स मिरर में। जब तक ये हम नहीं जानेंगे हम न्यूमेरिकल सॉल्व नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ये हम देख रहे हैं कि ये जो डायग्राम है ये कनकेव मिरर का है और कनकेव मिरर के मिड पॉइंट को पोल कहते हैं और ये सी, और इन दोनों के बीच के पॉइंट को एफ कहते हैं। तो ऐसे हमें ये सबसे पहले हम ये जाने कि यू वी एफ होती क्या है। तो एफ तो ये पता ही है कि ये पोल और फोकस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको फोकल लेंथ कहते हैं, तो एफ ये हुआ। और यू हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस हुआ। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मतलब मिरर में हमने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा है उसे ऑब्जेक्ट डिस्टेंस बोलेंगे। और वी मतलब इमेज डिस्टेंस, मतलब हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, पॉजिटिव बन रहा है या नेगेटिव बन रहा है। तो ये तीन टर्म की जरूरत हमें पड़ती है ना। तो जो हमने प्रीवियस क्लास में पढ़ा था कि कनकेव मिरर के छह केसेस, मतलब यू को ऑब्जेक्ट को हमने कहाँ कहाँ रखा था, कहाँ कहाँ ऑब्जेक्ट प्लेस किया गया था, तो उसका इमेज कैसा बना था, कितने साइज का बना था और उसका नेचर क्या था, ये हमने केसेस पढ़ा था। तो हमने ये ध्यान दिया कि हमने हर केस में यू को प्लेस किया था मिरर के लेफ्ट साइड में, जैसे ये पोल और फोकस के बीच में, फोकस पे, एफ और सी के बीच में, सी पे और बियॉन्ड सी, और लास्ट हमारा था एट इंफिनिटी। तो यहाँ हमने देखा है कि जैसे ये नंबर लाइन होता है और नंबर लाइन के राइट साइड में सारे पॉजिटिव इंटीजर होते हैं और लेफ्ट साइड में सारे नेगेटिव इंटीजर होते हैं। तो जब हम यू को इधर प्लेस कर रहे हैं मिरर के लेफ्ट साइड में, तो यू हमेशा हमारा क्या होगा, नेगेटिव। और F भी हमारा मिरर के लेफ्ट साइड में, मतलब इन फ्रंट ऑफ द मिरर हो रहा है, देयरफॉर F इज ऑलवेज नेगेटिव इन द कनकेव मिरर। और V जो है हमारा, हमने जो छह केसेस पढ़े, छह केसेस में एक बार हमारा V जब हमने पोल और फोकस पे रखा था तो ये मिरर के बिहाइंड बना था, मतलब कि वर्चुअल और इरेक्ट बना था। और बाकी सारे पांच केसेस में हमारा जो इमेज था वो रियल एंड इन्वर्टेड बना था। तो हमारा ये वी जो है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है, ये तीन टर्म है। तो कनकेव मिरर में हमने ये जाना कि यू नेगेटिव, एफ नेगेटिव एंड वी इज पॉजिटिव और नेगेटिव डिपेंडिंग ऑन द केस, मतलब कि कहाँ ऑब्जेक्ट को हमने रखा है। ये तो कॉनकेव मिरर हुआ। ऐसे भी सबसे इम्पोर्टेंट चीज हमें ये जाननी है कि मिरर में रियल एंड इन्वर्टेड, ये अगर वर्ड आएगा तो इसका मतलब हमारा इमेज क्या है, नेगेटिव। क्योंकि रियल एंड इन्वर्टेड में हमेशा हमारा ये इन फ्रंट ऑफ द मिरर बन रहा है, इसलिए वो क्या होगा, नेगेटिव। और अगर हमारा वर्चुअल एंड इरेक्ट इमेज का नेचर आ रहा है, देयरफॉर इट इज पॉजिटिव। दो चीजें हैं, मतलब रियल इन्वर्टेड मतलब नेगेटिव और वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब पॉजिटिव। अगेन अगर हम लोग कॉन्वेक्स मिरर लेते हैं, कॉन्वेक्स मिरर मतलब कि वो इस साइड से, उसमें ये मिरर इस टाइप से होगा, तो इनके बीच का पॉइंट पी, ये एफ और ये सी, और ये हमारा प्रिंसिपल एक्सिस। तो इसमें भी जब हम पढ़ेंगे तो ये हम लोग ऑब्जेक्ट को हमेशा लेफ्ट साइड में ही रखेंगे, तो इसमें भी हमारा ऑब्जेक्ट डिस्टेंस क्या होगा, नेगेटिव। और हमारा एफ जो होगा फोकल लेंथ वो क्या हो रहा है, इसके मिरर के राइट साइड में हो रहा है, देयरफॉर हमारा एफ यहाँ पे क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। और वी जो है हम दो केसेस इसमें पढ़ेंगे, तो दोनों केस में हमारा ऑब्जेक्ट जो होगा, इमेज जो होगा वो
राइट साइड में ही बनेगा और वर्चुअल एंड इरेक्ट बनेगा। और वर्चुअल एंड इरेक्ट मतलब क्या हुआ? पॉजिटिव। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर का साइन कन्वेंशन है और ये हमारा कॉन्वेक्स मिरर का साइन कन्वेंशन है। ये दो टर्म हमारे साइन कन्वेंशन मतलब कि यू वी एफ क्या पॉजिटिव होंगे कि नेगेटिव होंगे, और वो डिपेंड करता है मिरर पे। नाउ न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए हमें और फॉर्मूले की जरूरत पड़ेगी। तो पहला हमारा फॉर्मूला है जिसको हम कहते हैं मिरर फॉर्मूला। तो मिरर फॉर्मूला क्या होता है? 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. 1 by v plus 1 by u is equal to 1 by f. मतलब v is image distance, u is object distance and f is focal length. नाउ सेकेंड जो फॉर्मूला है उसमें हम मैग्निफिकेशन निकालते हैं। तो मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू माइनस v बाय u, मतलब कि इमेज डिस्टेंस बाय ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और एक और मैग्निफिकेशन का फॉर्मूला होगा हाइट ऑफ इमेज बाय हाइट ऑफ ए ऑब्जेक्ट। इसका हम लोग यूज करेंगे जब हमें साइज निकालना होगा इमेज का। तो m इज इक्वल टू एच आई बाई एच ओ। ये तीन फॉर्मूला से हम लोग न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। इन नेक्स्ट क्लास मैं आप लोगों को न्यूमेरिकल बताऊंगी कि कॉनकेव मिरर में कैसे न्यूमेरिकल सॉल्व करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।